नमस्कार साथी, मैं कुंदन आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त। अभी देख रहे होंगे ऑलरेडी मैं पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के पास खड़ा हूँ। और मैं अभी आया था 12021 जो है वकील जो हमें लिख करके दिया है, ऑलरेडी पूरा एफिडेविट है और जो वकील साहब लिखे हैं देखिएगा, यहाँ पर दिख रहे होंगे। मैं कुंदन कुमार CWJC नंबर 12021/21 से अब कोई वास्ता नहीं है। यह केस सभी STET 19-5 छात्रों के हित में नहीं है, यह सिर्फ बस सिर्फ जो लोग के नाम से है उसी के हित में है। यह सोचकर हमने केस वापस लिया। आपका विश्वासी कुंदन कुमार इसमें हम रिसीव कर रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे इसका ये CWJC नंबर है और यहाँ पे ये देख रहे होंगे पूरा एकदम कुंदन कुमार अब 12021 से ऑलरेडी रिमूव हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, क्योंकि STT 19 क्वालिफाइड के हित में नहीं था। ये एफिडेविट दिख रहा होगा आपको, मैंने अपना एफिडेविट जिसपे सिग्नेचर वकील का और ये नोटरी का मोहर और साइन है आप देख रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तमाम सारे अभ्यर्थी लोग और बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारे साथ है। और कुछ कि सर हम लोग को जो ये फिर नया रिट जारी किए हैं और नया रिट आया फाइल कर चुके हैं, एक दो दिन में CWJC नंबर आप लोग को मिल जाएगा। उस केस में 34 का हित नहीं होगा, उस केस में ना 92 का हित होगा, उस केस में हम लोग ऑल क्वालिफाइड जो है उसका हित में होगा, ऑल क्वालिफाइड के हित में होगा। और 56 देखिए CWJC में क्या था, प्रेयर में पहला प्रेयर में कट ऑफ की मांग की गई थी 24,599 की मांग की गई थी 12 मार्च के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों 12 मार्च के अकॉर्डिंग हम लोग के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है था। पूरे हाई कोर्ट के लगभग बहुत सारे वकील के पास समझा हमने कि 12 मार्च का कोई प्रूफ है ही नहीं। 12 मार्च में हम लोग के पास पेपर कटिंग था, वीडियो रिलीज था, उसका कोई कोर्ट में माने नहीं है। लगभग दर्जनों वकील से मैंने समझा और जो हम लोग का स्कोर कार्ड मिला हुआ है नॉट लीगल यूज के लिए लिखा हुआ है, दिस कॉपी इज नॉट लीगल यूज, यह कॉपी कानूनी रूप से मान्य नहीं है दोस्तों। तो हम लोग के पास 12 मार्च का कोई प्रूफ नहीं था। RTI हमने किया और उस RTI में सरकार ने 70,000 का डाटा दिया, तो सरकार जो कहेगी वो हम लोग को डाटा 12 मार्च का है। तो क्यों इस केस में लिखा हुआ था 12 मार्च का जिक्र था और क्वाइसिंग द लेटर था, मैंने लेटर 26/6 को क्वाइस किया जाएगा। तो दोस्त क्वाइसिंग द लेटर जो रहेगा कि 26/6 को क्वाइस किया जा रहा है, तो मैं इतना लाठी और डंडा मिल करके हम लोग उसे उस नॉट मेरिट को जो गढ़ा से निकाले हैं, यही कुंदन कुमार जो हम लोग और सारे अभ्यर्थी मिल करके उस लेटर को बचाए हैं। क्या मैं उस लेटर को रद्द होने दूँ? आप लोग सोचिए इस बात को, क्यों नहीं 34 लोग समझ रहे हैं, 92 लोग का भी वही सेम कॉपी है, इस बात को क्या नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कह रहे थे वहाँ पे जो एडवोकेट साहब थे उनके पास बाद में पता चला कि मेरिट का भी केस लिए हुए हैं, नॉट मेरिट का भी केस लिए हुए, तो एक लिए हुए हैं एक वकील भाई दो दो पक्ष का केस कैसे लड़ सकता है। मेरा देखे होंगे एक ऑडियो जो रिलीज हुआ है वकील से कितना बकचक हुआ है, उस वकील में लिखा गया, वकील के पास जो ऑलरेडी वो ऑडियो में सुने होंगे, वकील साहब कह रहे हैं कि हमें बिना पढ़ाए हुए सिग्नेचर ले लिए आपने, बिना पढ़ाए हुए आपने हमको ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट महीनों तक हमको महीना दिन तक नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे लीगल टीम जो दो चार लोग और देख रहे थे 35 में से उन लोग हमको ड्राफ्ट तक नहीं दिए। सोचिए जब मैंने ड्राफ्ट पढ़ा तो बाप रे बाप, ये तो क्वाइसिंग की बात की गई है, 26/6 की क्वाइसिंग। दोस्तों मैं पूरे बिहार की लड़ाई, जब मेरिट और नॉट मेरिट दोनों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, जब ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, 26/6 के लेटर को क्वाइस होने देंगे? जब 26/6 का लेटर क्वाइस हो जाएगा ना, वहीं का नहीं रहेंगे हम लोग, वहीं का नहीं रहेंगे। सिर्फ बस सिर्फ जो हम लोग को रह जाएगा कि लीगल यूज के लिए सिर्फ जो रखे हुए ना स्कोर कार्ड, सिर्फ एक पेपर, सादा पेपर की तरह रह जाएगा, रफ पेपर, रद्दी पेपर की तरह रह जाएगा। इसलिए जो अब इस रिट में हम फाइल किए हैं ऑल क्वालिफाइड की केस के बारे में, ऑल क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, महीनों दिन बीत गया लेकिन सरकार हम लोग को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? पहले हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए और सबकी नौकरी चाहिए, जब सीट ऑलरेडी सरकार के पास बहुत सारे बचे हुए हैं। संजय सर के पास देख रहे होंगे मैं लगातार जा रहा हूँ, लगातार 2-4 दिन पे जाता हूँ, तो सबके सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो नौकरी होगी। पहले सर्टिफिकेट की मांग करना है हम लोग को, सारे लोग मिल करके। अब पटिशनर पर जा रहे हैं 34 पटिशनर, 1500 लाओ और नौकरी पाओ, 1500 दो और नौकरी पाओ, इसके बाद में नहीं जाना है।
ज्यादा किसी को पटिशनर बनने की जरूरत नहीं है। आलोक कुमार भी पटिशनर में लिखे हैं कि चार लोग का पटिशनर में नाम है और उसमें पटिशनर एंड अदर सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट, वही मेरा ड्राफ्ट में लिखा रहेगा कि जो कुंदन कुमार एंड के साथ होगा, जो वो पूरे बिहार के साथ होगा। ज्यादा पटिशनर बनने की कोई जरूरत नहीं है और ज्यादा केस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग के साथ सरकार से लड़ाई लड़नी है। थैंक यू, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। थैंक यू।